अभी जो कर्म दर्शन का जो अध्ययन क्रम रहा उसको समराइज करने का प्रयास करेंगे। ये सेशन मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मैक्सिमम आई वुड थिंक 40 मिनट्स और सो, है ना, देखते हैं कैसा होता है। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना चाहूँगा बाबा जी के बारे में। तो बाबा जी जो ये तो हम सब जानते हैं कि बाबा जी वेद परंपरा से थे, है ना, और वेद जो हैं वो उसके तीन खंड हैं, है ना, कर्म, उपासना और ज्ञान, है ना, कर्म खंड, उपासना खंड और ज्ञान खंड। इसको खंड को जो आगे कांड कहा जाता है हिंदी में, वो खंड का ही अपभ्रंश है। तो कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, तो कांड और खंड, खंड से कांड बना है। तो इसमें जो बाबा जी जिस परंपरा से थे, वेद विचार परंपरा से थे, तो उनका उनको उसमें कर्म और उपासना जो थी वो स्वीकृत थी, लेकिन ज्ञान पर उनके प्रश्न चिन्ह बने थे। तो उसी प्रश्न चिन्ह के उत्तर के लिए उन्होंने अनुसंधान किया। तो वेद विचार में जो कर्म खंड है उसमें करो और नहीं करो के रूप में कर्म को बताया गया है, और जो कर्म है वो क्या करने से स्वर्ग मिलता है, क्या करने से देवी देवता बनते हैं, और इसके विपरीत में क्या नहीं करना है, है ना, और क्या करने से नरक मिलेगा, इस प्रकार से उन्होंने विश्लेषण किया है। तो उस अर्थ में बेसिकली कर्म की वहां पर बात की गई है। उपासना जो है वो देवी देवताओं के संदर्भ में है, और उपासना जो है वो ज्ञान के अर्थ में भी उपासना है। तो बाबा जी ने भी आगम तंत्र उपासना जो उनके परंपरा में थी उसी विधि को अपनाया था, जो कि अधिदैवीवाद, जिसके बारे में आज हमने कुछ चर्चा किया था ज्ञान ज्ञातज्ञ वाले अध्याय को पढ़ते हुए। अब जब बाबा जी ने जो इस दर्शन को पाए तो फिर उन्होंने कर्म की परिभाषा एक नए सिरे से दी, है ना, जो इच्छा क्या है उस वो पूर्ववर्ती दर्शनों में स्पष्ट नहीं होता, उसको उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि जीवन में जो इच्छा है और इच्छा और क्रिया के संयुक्त रूप में कर्म को परिभाषित किया। तो कर्म जो है वो जीवन इच्छा डाउनवर्ड्स जो है वो कर्म होता है, और कर्म जो है बिना इच्छा के कर्म नहीं होता, ये भी एक बात इससे निकल के आती है। तो बाबा जी ने जो पहले जो कर्म दर्शन जब लिखा था, है ना, तो वो उसमें पहले दो ही अध्याय थे जो अपने इस पुस्तक में है, कर्म और उपासना, है ना, ये दो ही अध्याय थे। बाद में उन्होंने सहस्तित्ववादी विज्ञान वाले खंड को भी जोड़ा। जो हम सुनते हैं इसके बारे में कि वो 1966 में बाबा जी समाधि को प्राप्त हुए थे, और 68 में उनको संयम हो गया था, और समाधि संयम के उपरांत उन्होंने ये सबसे पहले जो है ये उपासना और कर्म इनको लेकर जो लिखा था वो दिव्य पथ नाम से एक छोटी सी पुस्तिका छपवाई थी, उसमें दिखा गया था। जो अभी भी जो कर्म दर्शन में जो पहले दो अध्याय हैं वो बेसिकली वही रिप्रोड्यूस किए हुए हैं। तो उपासना में जो बाबा जी ने जो परंपरागत उपासना में जो बोला है उसको अपनी परिभाषाओं के अनुसार उनको पुनः परिभाषित किया है, उपासना को नए सिरे से सूत्रित किया है। फिर 1968 के बाद में उन्होंने अपने पूरी दर्शन को लोकार्पित करने के लिए एक भाषा का स्ट्रक्चर बनाने का प्रारंभ किया, है ना, और उसका स्मृति का स्वरूप तैयार किया, जिसमें 5 वर्ष लगे, और इसमें मतलब
परस्परता के का भी रोल रहा, जो उनके पास में लोग है ना उनका सम्मान करते थे, आने जाने वाले लोग थे, उनकी जिज्ञासा, उनको भी धीरे धीरे लगने लगा कि जिस वेद विचार परंपरा से वो आए हैं उससे भिन्न कुछ बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे लोगों ने उनको कहा कि आप अपनी बात को लिखिए, अपनी बात को बताइए, उन्होंने जिज्ञासा को अपने रखना शुरू किया है ना। इसी क्रम में एक प्रकार से देखें तो बाबा जी के जो भी वर्तमान में योग संयोग रहे उसके अनुसार वो निर्णय लेते गए है ना। और उन्होंने एक तरीके से अर्ली 70s में उन्होंने चारों दर्शन जो है वो अपने लिख लिए थे। और पहले उनका ऐसा विचार था कि वाद और शास्त्र जो है वो आगे उनके शिष्य लिखेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो बाद में उन्होंने स्वयं वाद और शास्त्र को लिखा। तो 2004 ऑनवर्ड्स हम लोग, मतलब मैं अपनी बात करूं तो उस समय संपर्क में आए, तब वो इस प्रकार की बात कहते थे कि अब मैं चाहता हूं कि आगे जो करिकुलम डेवलपमेंट और पाठ्यक्रम डेवलपमेंट का जो काम है वो मैं स्वयं नहीं करूं है ना, ये संयुक्त रूप से हो या आप लोग करो, या इस तरह की बात करते थे। तो इस प्रकार से बाबा जी जो है वो योग संयोग विधि से बेसिकली आगे बढ़ते रहे और निर्णय लेते रहे, और इस प्रकार से बात रही। तो बहुत सारी बातों में ऐसा लगता है कि बाबा जी और प्रचलित विज्ञान एक ही बात कह रहे हैं, और मोटे तौर पे देखें तो पता नहीं लगता है कि डिस्टिंक्शन क्या है, कि क्या उनमें भेद है। लेकिन जब बारीकी से देखते हैं तो भेद स्पष्ट होता है और पता लगता है कि ये कुछ अलग बात कह रहे हैं, और फिर आगे उसके बारे में और सोचते हैं तो उसकी दिशा ही बिल्कुल अलग नजर आती है, और उसके इम्प्लीकेशंस देखते हैं तो लगता है कि ये तो बिल्कुल ही अलग बात कह रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए डार्विन ने भी एक विकासवाद की बात की, और दर्शन में भी एक विकास क्रम की अवधारणा है ना। तो दोनों में ही एक इस प्रकार की बात है कि रचना में क्रमशः विकास हुआ है ना, और दोनों कुछ एम्पेरिकल एविडेंसेस की भी बात करते हैं कि हाँ इस प्रकार से दिखाई देता है। और साइंस में देखें तो इस प्रकार से उसका एक क्रम भी दिखाते हैं, और एक उसके साथ में बहुत सारे एविडेंसेस भी देते हैं। लेकिन अगर उसके एक्सप्लेनेशन में जाते हैं तो डार्विन का जो विकासवाद है उसमें एक्सीडेंटल विकास की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे एक बाबा जी जो नियति सहज या किसी एक निश्चित लक्ष्य के लिए विकास की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब एक कोई एक फाइनल डेस्टिनेशन है जहाँ पर ये पूरी नियति पहुँचना चाह रही है वो, या उसकी उसका निश्चितता है, उसके अर्थ में विकास हो रहा है, जो ये बाबा जी कहते हैं कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था जो है इसके अर्थ में नियति है, और इसके लिए श्रम गति परिणाम जो है वो जुड़ा हुआ है। जबकि विज्ञान की जो अवधारणा है उसमें किसी अंतिम लक्ष्य का कोई स्वरूप का या कोई नियति का इस प्रकार से बात उसमें नहीं निकलती। दूसरे डार्विन के विकासवाद में स्ट्रक्चर जो है उसके अनुसार फंक्शन की बात है, जबकि यहाँ पर कहते हैं कि फंक्शन निश्चित है, उसके अनुसार स्ट्रक्चर तय होता है ना। मतलब कि जैसे कैसी रचना होगी किसी जीव की या किसी वनस्पति की, उसके अनुसार उसका गुण या क्रियाकलाप होगा, ऐसा प्रचलित विज्ञान में कहा जाता है। जबकि बाबा जी जिस हिसाब से बात करते हैं उनके हिसाब से उसका उसकी व्यवस्था में भागीदारी होती है, उसके अनुसार उसका रूप तय होता है या स्ट्रक्चर तय होता है। फिर जो यहाँ पे रचना में जो विकास क्रम की बात करते हैं तो बाबा जी कहते हैं यहाँ रचना में विकास क्रम है, लेकिन वो विकास वास्तव में वहां नहीं है, विकास वास्तव में हो रहा है परमाणुविक स्तर पर। तो वो एक परमाणु में विकास की अवधारणा को यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, और तो वो एक चीज नई है और उससे एकदम कहानी बदल जाती है ना। तो फिर उसके बाद में अंतिम लक्ष्य और प्रयोजन की बात जो कहा डार्विन के विकासवाद में नहीं है, जबकि यहाँ पे एक निश्चयता और अंतिम लक्ष्य नोन है, इस प्रकार की बात यहाँ पे की गई है। तो
मतलब थोड़ा सा और इस पे अपन चर्चा कर लेते हैं। तो मध्यस्थ दर्शन को जो बाबा जी ने रखा, ये चार भाग में रखा है ना, उसमें से दो दर्शनों को हम अध्ययन कर चुके हैं, इसमें पठन का जो क्रम है उसमें कर चुके हैं। तो अब हम थोड़ा सा एक व्यू ले लेते हैं कि एक टॉप व्यू ले लेते हैं कि किस प्रकार से ये चारों दर्शन को में क्या आता है इसके बारे में। तो चार दर्शन लिखे गए हैं, व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन और अनुभव दर्शन। तो देखेंगे तो व्यवहार दर्शन में सहअस्तित्व की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया और फिर उसके बाद में मानव लक्ष्य और जीवन मूल्यों की बात की गई है, संबंध, न्याय, धर्म नीति, राजनीति, इनके बारे में चर्चा है। तो इस प्रकार से मानव के व्यवहार का समग्रता का स्वरूप जो है, अस्तित्व के मूल स्वरूप से लेके मानव के व्यवहार के स्वरूप की का पूरे जो लिंक्स हैं उसके बारे में चर्चा व्यवहार दर्शन में की गई है। अब कर्म दर्शन में जो बात की गई है वो इसमें क्या है, फोकस्ड तरीके से इच्छा से लेके कार्य व्यवहार तक की चर्चा है ना। तो एक प्रकार से इसमें इसमें फिर आगे विज्ञान और तकनीकी वाला पक्ष भी जोड़ लिया गया है। कुछ हद तक हमने देखा जो अध्याय तीन में कुछ भाग जो है उसमें तकनीकी के भी पक्षों को जोड़ दिया गया है। फिर आगे इनका इलेबोरेशन जो है वो हम देखते हैं कि समाधानात्मक भौतिकवाद और आवर्तनशील अर्थशास्त्र में इन्हीं का फर्दर डिस्क्रिप्शन इन सिद्धांतों के ऊपर किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में अब देखेंगे तो कर्म दर्शन में एक प्रकार से अंतरंग अभ्यास की ज्यादा बात की गई है। फिर अभ्यास दर्शन में हम देखेंगे अंतरंग अभ्यास कम से कम है, बहिरंग अभ्यास या एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस के बारे में ज्यादा चर्चा है। अभ्यास दर्शन जो है हमारी अगली पुस्तक है जिसका हम अध्ययन करेंगे। तो परंपरा के रूप में हम क्या अभ्यास करेंगे, एज ए ट्रेडिशन हम क्या अभ्यास करेंगे, ये मतलब इस बारे में जो चर्चा है वो अभ्यास दर्शन में है ना। तो परंपरा के स्वरूप में मानव जाति जो है वो किस प्रकार से जागृति के स्वरूप में जिएगी, इसकी चर्चा जो है या इसका स्वरूप का जो वर्णन है वो अभ्यास दर्शन में किया गया है। और अनुभव दर्शन में तो सार रूप में व्यापकता और संपृक्तता, आत्मा और ब्रह्म, इनके बारे में चर्चा की गई है। तो मैं सोच रहा था कि अभी हम क्योंकि समराइज कर रहे हैं कर्म दर्शन का, तो ये वाला जो पार्ट था एक तरीके से जेनेसिस या बाबा जी का किस प्रकार से इस कर्म दर्शन को प्रस्तुत किए वो है। मैं सोच रहा था कि एक बार हम मैंने कुछ पुस्तक में से कुछ सूत्रों को उठाया ताकि हम एक बार पूरी पुस्तक को एक बार रिवाइज कर लें अगले 15-20 मिनट में, और ताकि एक अपने को व्यू आ जाए कि हमने क्या चीज पढ़ी है कर्म दर्शन में, और ध्यान आकर्षण के लिए और एक प्रकार से। तो हमने अध्याय एक जो है जो हमको योगेश भैया ने प्रबोधित किया था उसको किया। इसमें कुछ सूत्रों को मैं आपके साथ में यहाँ शेयर करना चाहूँगा। पहला जो है कायिक, वाचिक, मानसिक व कृतकारित अनुबोधित भेदों से 9 प्रकार से हर मानव कर्म करता है ना। तो कर्म कैसे होता है ये 9 प्रकार से बेसिकली होता है कि ये कॉम्बिनेशन परगुंडेशन कायिक कृत, कायिक कारित, कायिक अनुमोदित, उसी तरीके से वाचिक कृत, वाचिक कारित, वाचिक अनुमोदित, मानसिक कृत, मानसिक कारित और मानसिक अनुमोदित है ना। तो ये एक सूत्र उसमें आया कि कर्म जो है वो बेसिकली मानव करता है ना, और ये इस प्रकार से करता है, ये परिभाषा उसमें आई है। प्रत्येक कर्म में क्या क्या शामिल है ना, ये सूत्र का है। प्रत्येक कर्म में कर्ता, कारण, उद्देश्य, फल और प्रभाव, ये 5 अंग समाहित रहते हैं है ना। तो देखिए ये पूरा एक कंप्लीट व्यू देता है ये सूत्र कि कर्ता, कारण, उद्देश्य, फल, ये मिला के कर्म बनता है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही संपर्क एवं संबंध है ना, और आवश्यकता ही इच्छा है जिसके मूल में समाज, सामाजिकता, उसका पालन, परिपालन, आचरण, अनुसरण एवं अनुशीलन समाया रहता है, ठीक है। फिर तो हमने आज सुबह भी इस बारे में बात की थी कि आवश्यकता एक तात्विक शब्द है और आवश्यकता की एक अस्तित्व में हर क्रिया की एक निश्चित आवश्यकता है,
उसी तरीके से मानव की भी एक निश्चित आवश्यकता है ना, चाहे वो भौतिक आवश्यकताएं हो या बौद्धिक आवश्यकताओं या मानसिक आवश्यकताएं हो, तो उनकी पूर्ति आवश्यक है। जब तक वो उसकी पूर्ति के लिए एक निश्चित कार्यक्रम हमारे पास में होना होगा। विचार सुसंस्कार से संबद्ध रहना ही जागृति है ना, ये एक बात। तो जागृति किसको कहा? विचार का सुसंस्कार से संबद्ध रहना। तो सामाजिकता बौद्धिकता एवं भौतिकता का संयुक्त रूप है, ये एक सूत्र आया था वहां, है ना, सामाजिकता बौद्धिकता और भौतिकता का संयुक्त रूप है। एक और सूत्र है, कर्म जो है वो मात्र रास या विकास जागृति के लिए सहायक है। मतलब मानव जो कर्म करता है उससे या तो उसका ह्रास होगा या विकास होगा। अब हमको अपने कर्म के बारे में निश्चय करना होगा, अपने कर्म के प्रति जागृत होना होगा, ये बात इससे निकल के आती है। तो ह्रास या विकास की ओर गतिशील ना हो ऐसी कोई इकाई जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति में नहीं है। मानव के लिए जितना उन्नत अवकाश है उतना ही पतन के लिए भी अवकाश है। अवकाश मतलब स्कोप, जितना उसको ऊपर बढ़ने का स्कोप, ऊपर मतलब दिव्यता की ओर बढ़ने का, यानी कि दिव्य मानवीयता की ओर बढ़ने का जितना उसके पास स्कोप है, उतना ही नीचे जाने के लिए भी स्कोप है। मतलब उसका ह्रास की ओर जाने के लिए भी स्कोप है। तो उसको तो क्योंकि मानव ज्ञानावस्था का है तो इसलिए वो निर्णय पूर्वक उसमें कर्म स्वतंत्रता है और कल्पनाशीलता है। तो ये इस कारण से वो उसको किस दिशा में गति करनी है उसका निर्णय उसे स्वयं को लेना पड़ता है ना। तो ये मानव के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ना, और उसके लिए ज्ञान की कितनी बड़ी आवश्यकता है, ये इस बात से स्पष्ट होता है। यथार्थ ज्ञान क्षमता का प्रत्यक्ष रूप ही मानव मानवीयतापूर्ण आचरण है ना। तो ये हमने आज सुबह भी बात की थी कि एक तरफ ज्ञान में अनुभव है और दूसरी तरफ परंपरा में प्रमाण है। परंपरा में प्रमाण जो है उसका सही स्वरूप क्या है? मानवीयतापूर्ण आचरण का विस्तार है ना, जो है मूल्य चरित्र और नैतिकता का स्वरूप। और यथार्थ ज्ञान का जो सार रूप है उसको हम कह रहे हैं अनुभव। तो जागृत मानव, अगला सूत्र है, जागृत मानव जिज्ञासु पर विश्वास करता है और जिज्ञासु जागृत मानव के साथ अनुशासित रहता है ना। तो जागृत मानव विश्वास करता है कि जो जिज्ञासु उसके सामने है वो ध्यान से सुन रहा है और जो है उसको समझने के लिए जीने के लिए ही सुन रहा है। और जिज्ञासु जो है वो जागृत मानव के साथ अनुशासित रहता है या फिर उसके उसका अनुकरण अनुसरण उस प्रकार से करता है। तो ये एक इस योग के द्वारा, इस प्राप्त योग के द्वारा ही आगे जो है अनुभव करने की संभावना, प्राप्त योग में अनुभव करने की संभावना होती है। एक आगे और सूत्र आया, अधिक जागृत कम जागृत का दर्शन, कम जागृत अधिक जागृत को पहचानता है। इसलिए जागृत मानव जागृति के लिए जिज्ञासु को पहचानता है और जिज्ञासु जागृत को पहचानता है ना। तो इस प्रकार कैसे ये अध्ययन संभव है? क्योंकि जागृत मानव जिज्ञासु को पहचानता है और जिज्ञासु जो है वो जागृत को पहचानता है ना। अपने से अधिक विकसित जो है वो किसी प्रकार से ये एक संबंध हो जाता है। तो अधिक जागृत कम जागृत का दर्शन, यानी कि कम जागृत का वो मूल्यांकन कर पाता है और कम जागृत है उसको पता लगता है कि जो सामने व्यक्ति बैठा है उसको कुछ पता है जो मुझको नहीं पता है ना। तो ये बाबा जी के साथ में संपर्क में अभी सामान्य रूप में भी हम देखते हैं, किसी को यदि कुछ हमसे ज्यादा आता है तो हमको अपने आप से पता लगता है कि हाँ इसके इससे अगर हमको कुछ समझना है तो उसके साथ में हम अनुशासित अपने आप से हो ही जाते हैं, है ना। तो ये एक सूत्र के रूप में यहाँ पे बताया है। विश्वास विहीन संबंध सफल नहीं है, संबंध रहित स्थिति में कर्म सिद्धि नहीं है, है ना। प्रत्येक सामाजिक मूल्य का निर्वाह विश्वास पूर्वक ही सफल हुआ है। तो ये चैप्टर एक का एक प्रकार से रिवीजन था। फिर उसके बाद में हमने चैप्टर दो जो उपासना और विवेक, ये हमको सुरेंद्र पाठक भैया और सुनीता पाठक दीदी ने प्रबोधित किया था अहमदाबाद से। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। यहाँ से भी कुछ सूत्रों को आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे लिखा था, उपासना ही मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन एवं परिवर्तन प्रक्रिया है। यही अध्ययन
संस्कार एवं स्वभाव परिवर्तन भी है, है ना। तो इस प्रकार से उपासना का महत्व, यहाँ पे उपासना जो है वो हमने देखा था कि उपासना की परिभाषा जो है वो अध्ययन से ही बनती है, अध्ययन ही उपासना है, इस प्रकार की बात यहाँ पर आती है। अधिभौतिकी सीमा में उत्पादन प्रधान व्यवहार होता है, है ना। अधिदैविक सीमा में व्यवहार प्रधान उत्पादन होता है, और अध्यात्म पूर्ण जीवन में अनुभव मूलक विचार व्यवहार एवं उत्पादन क्रम प्रत्यक्ष है। तो अधिभौतिकी सीमा जो है वो इस प्रकार से बाबा जी जीव चेतना को कह रहे हैं, और अधिदैविक जो है वो मानव चेतना की शुरुआत, और अध्यात्म पूर्ण जीवन जो है वो देव मानवीयता दिव्य मानवीयता को कह रहे हैं। तो केवल भौतिकता ही मानव के लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं हुई है, क्योंकि मानव में पाए जाने वाले चार आयाम केवल भौतिक द्रव्यों से तृप्त नहीं होते हैं। ये हमको पता ही है कि मानव के चार आयाम हैं, अनुभव विचार व्यवहार और व्यवसाय। तो ये जो चार आयाम हैं उसमें से वो केवल भौतिक द्रव्यों से तृप्त नहीं है। व्यवसाय में भले ही भौतिक द्रव्य से तृप्ति हो जाए, हम इतना उत्पादन करना चाहते थे इतना हो गया, लेकिन जो ये व्यवहार का आयाम है, विचार का आयाम है और अनुभव का आयाम है, इसका जो फुलफिलमेंट है, इसकी जो तृप्ति है वो भौतिक द्रव्य से नहीं हो सकती। इसके लिए फुलफिलमेंट के लिए इसी का ही मटेरियल चाहिए। तो ये अपने को इससे स्पष्ट होता है सूत्र से। शब्द का अर्थ अर्थात मंत्रार्थ का तद्रूपता पूर्वक स्मरण करने के अभ्यास से उसका अर्थ एवं स्वभाव गम्य होता है। सभी सार्थक शब्द मंत्र हैं। तो बहुत ही अच्छी सी बात है कि कोई बात को हम ध्यान से पढ़ते हैं, उसका उसके तद्रूप होते हैं, उसमें उसका स्मरण करते हैं, उसके उसके स्वरूप उसका पूरे विस्तार में उसकी कल्पना में लाते हैं और उसका अभ्यास करते हैं, तो उसका अर्थ और उसका स्वभाव जो है वो हमारा अपना स्वभाव हो जाता है। ये वाली एक बात है। ये अध्ययन की विधि को भी इंगित करता है कि अध्ययन की विधि सीधी सीधी है, सुनना, सोचना, निर्णय लेना और फिर जीना, है ना। इस प्रकार से हम चीज को बेसिकली अपनाते हैं। उपासना के लिए वातावरण का महत्व अपरिहार्य है, है ना। अपरिहार्य मतलब उसके बगैर चलेगा नहीं, है ना। उपासना जो है, यहाँ पे अध्ययन के अर्थ में उपासना को कह रहे हैं, उपासना के लिए वातावरण का महत्व अपरिहार्य है, जिसमें से मानवकृत वातावरण ही प्रधान है, जो शिक्षा और व्यवस्था के रूप में ही है, है ना। तो शिक्षा और व्यवस्था जो है, अगर वो मानवीयता पूर्ण रहती है तो उसमें जीने से ही, है ना, जो मानव का जो है एक प्रकार से एक उपासना, उसके लिए वातावरण जो है उसमें वो मानव के ज्ञान अवस्था के रूप में ग्रो होने के लिए सहायक होता है, ठीक। उसके बाद हमने चैप्टर 3 शुरू किया, जो कि सहस्तित्ववादी विज्ञान था। तो इसकी शुरुआत हमने की थी रविकांत भैया से, जो पटना से हैं। उन्होंने परमाणु संरचना, अणुरचना, विकास क्रम विकास, परमाणु में विकास, इन चैप्टर्स को पढ़ाया। तो परमाणु इन अध्यायों में परमाणु को व्यवस्था का मूल स्वरूप होना प्रतिपादित है, और परमाणु में विकास जो है वो गठनपूर्ण परमाणु है, और जीवन का चैतन्य में संक्रमण, इस बारे में चर्चा यहाँ पे हुई थी। तो रविकांत भैया ने साथ में यहाँ पर प्रचलित विज्ञान से भी एक कुछ तुलनात्मक रूप से बात रखी थी। इसके बाद में अध्याय 4, 5 और 6 को अनीता शाह दीदी रायपुर से संबोधित किए थे हमें। इसमें मन स्वस्थता का रूप, सहस्तित्व स्थिर, विकास और जागृति निश्चित, अनुभव और जागृति की स्थिरता और निश्चयता, इसके बारे में बात हुई थी। फिर उसके बाद हम चले गए हैदराबाद, जहाँ पे प्रदीप रमन चरला जी ने ऊष्मा और धरती का संतुलन, ये अध्याय को हमें प्रबोधित किया था। उन्होंने बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स और मतलब के साथ में हमें इस धरती की अवस्था के बारे में बताया था कि मानव के किए हुए से आज किस प्रकार से असंतुलित हो गई है, और किस प्रकार से ये अपने संतुलन को प्राप्त कर सकती है। तो धरती के संतुलन के सूत्रों को के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। इसी से जुड़ी हुई हमने फिर हम सीधे पहुंच गए थे कानपुर, जहां पर
गुड्डा भैया की एक विशेष प्रस्तुति हुई थी जहाँ पे उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए बहुत सारे यंत्रों से कृषि से जुड़े हुए जो है वो पूरा उन्होंने डिस्क्राइब किया कि किस प्रकार से कृषि को किया जा सकता है बिना धरती को घायल किए हुए, है ना। और प्रमाणों को स्थूल रूप में प्रस्तुत करते हैं तो ही हम उसकी उसके मूल में जो विचार है और उसके मूल में अनुभव है उसकी तरफ ध्यानाकर्षण जो है वो हो सकता है। इस आधार के ऊपर उन्होंने अपनी बात को रखा था। तो उसके बाद हम पहुंच गए थे सूरत, जहाँ पे अजय जैन भैया ने स्थिति गति मात्रा और गुण इन अध्यायों का हमको डिटेल में अध्ययन कराया था। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे हजारों किलोमीटर दूर कनाडा में, जहाँ महेंद्र भैया ने बल और शक्ति प्रत्यावर्तन अध्यायों का हमको अध्ययन कराया था। तो महेंद्र भैया का वहाँ पर उनका स्वास्थ्य भी उस समय ठीक नहीं था और काफ़ी उनके लिए ऑड टाइमिंग था, लेकिन वो इस बात इस कार्यक्रम के प्रति उनकी निष्ठा जो है वो पूरी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे करना ही है, और उन लोग उन्होंने इसको इस कार्यक्रम को बहुत हम लोगों को बहुत उपयोगी लगा, उनके कई बातों पर हमारा ध्यानाकर्षण हुआ। इसके बाद हम गए थे मानव तीर्थ में, जो वहाँ के द्वितीय वर्ष के जो अध्ययनार्थी हैं उन्होंने हमें दबाव प्रवाह तरंग विद्युत चुंबकीय बल देश दिशा दूरी विस्तार आयाम कोण और काल इनके ऊपर पुष्पेंद्र साहू भैया गुंजन पनारा भैया और मनन पटेल भैया ने हमारा प्रबोधन किया था। तो वो बहुत बढ़िया रहा। और वहीं से ही फिर उसी दिन गौरी दीदी का भी यहाँ पे प्रबोधन हुआ, मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव है। और आज सुबह हमने ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय और दृष्टा कर्ता भोक्ता वाले अध्यायों का अध्ययन किया। तो देखिए हम लोग इस प्रकार से मानव कर्म दर्शन को के समापन की जगह में हम लोग पहुंच गए। और मुझे लगता है कि केवल एक बार पढ़ लेने ही पर्याप्त नहीं है, इन चीज़ों को इसका मनन आवश्यक है, दोबारा इसको पढ़ना और फिर उसके बाद में कुछ अभ्यास करना पुनः जाना। लेकिन मुझे लगता है एक बार हम अगर लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद में हमारा एक जो पढ़ने से जो झिझक है या फिर भाषा को लेके जो कठिनता है वो हमारी हट जाती है। तो यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है कि हम इस दर्शन को उपलब्ध करा दें और जो बाबा जी का जो मैसेज है उसको यथावत हम किस प्रकार से लोग सुलभ बना दें, है ना। तो अब आगे का क्या कार्यक्रम है? आगे का कार्यक्रम है श्री राम भैया जो हैं वो कल से विकल्प पुस्तिका का लाइन बाय लाइन अध्ययन कराएंगे। हमने इससे पहले साधन भैया ने विकल्प और उसके उससे लेके प्रश्नोत्तरी का एक कार्यक्रम रखा था, तो वो लेकिन लाइन बाय लाइन अध्ययन करना अभी भी बचा था, तो हमने सोचा कि श्री राम भैया जो है वो इसका प्रबोधन करेंगे। तो आप उसके लिए अपने और भी जो मित्र हैं उनको इनवाइट कर सकते हैं। इसमें हम कोई प्री रिक्विजिट नहीं है उसके लिए, मतलब कि इसके लिए कुछ आवश्यक नहीं है कि आपने इन दोनों दर्शनों को पढ़ा हुआ हो, क्योंकि केवल जीवन विद्या से अगर जो परिचित हैं वो विकल्प को सुनना चाहते हैं, विकल्प पुस्तिका का अध्ययन करना चाहते हैं, तो वो सीधे यहाँ इस बिंदु से शुरू कर सकते हैं। साथ ही मैंने वो टेलीग्राम में अब इसके बाद में नेक्स्ट जो बुक है वो हम अभ्यास दर्शन ले रहे हैं। अभ्यास दर्शन के अध्ययन का क्रम का प्रबोधन का क्रम जो है एक प्रस्तावित क्रम को मैंने वहाँ पे रखा है। लोगों ने सब जो प्रबोधक लोग हैं उन्होंने अपना कंफर्मेशन दिया है कि हाँ वो लोग इसका करेंगे, तो होपफुली हम उस क्रम के अनुसार चलेंगे। इस बीच में हम बीच बीच में कुछ विशेष प्रस्तुतियाँ भी होगी, उसको भी हम आगे जैसे जैसे समय मिलेगा उसको हम जोड़ेंगे, तो ऐसा हमारा प्लान है। तो आई थिंक दैट इज ऑल दैट आई हैव फॉर टुडेज सेशन, इतना ही आज मेरे को प्रस्तुत करना था। तो यदि कोई